हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में तो प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम क्या कॉस करता है सबसे पहले मेन तो ये है कि मलेरिया कॉस करता है ठीक है अब प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम के दो कॉम्प्लिकेशंस हैं ठीक है थीके? ये फाइव मार्क्स में आता है माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है तो परनीशियस मलेरिया कॉज करता है और ब्लैक वाटर फीवर ब्लैक वाटर फीवर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है ठीक है तो परनीशियस मलेरिया में ए, क्या होता है तो जब ये प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम है जब इसका हैवी पेरासिटाइजेशन हो जाता है ब्लड के अंदर हैवी पेरेसिटाइजेशन मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में जब ये प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत हाई अमाउंट में तो परनीशियस मलेरिया होता है उस इंसान को ठीक है ये कॉम्प्लिकेशन है बहुत हैवी अमाउंट में जब वो प्रेजेंट है तो प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम जो है तो परनीशियस मलेरिया कॉज कराता है इट इज ड्यू टू हैवी पेरासिटाइजेशन एंड इट इज मैनिफेस्टेड एज सेरेब्रल मलेरिया एलगेड मलेरिया एंड सेप्टिसमिक मलेरिया सेरेब्रल मलेरिया कब कहेंगे जब ब्रेन को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं उसके अंदर जब ये हैवी पेरासिटाइजेशन हो जाएगा प्लास्मोडियम का तो क्या होगा सेरेब्रल मलेरिया होगा सेरेब्रल मलेरिया में क्या होता है इंसान को पायरेक्सिया होगा मतलब हाई हाईग्रेडिया फीवर ग्रेड फीवर रहेगा को कोमा हो सकता है पैरालिस सकता है ठीक है और ब्रेन कैसी होगी कंजस्टेड हो जाएगी ब्रेन ठीक है और कैपिलरीज ऑफ द ब्रेन आर प्लग्ड बाई ड्यू टू हैवी पैरासिटाइजेशन ऑफ द प्लास्मोडियम फेल्सिपेरम ठीक है तो सेरेब्रल मलेरिया देख लिया सेरेब्रल मलेरिया में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं वो किससे भर चुकी हैं प्लास्मोडियम फेल्सिपेरम से बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो चुकी हैं ठीक है प्लग्ड हो चुकी हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हाइपरपेरेक्सिया हो रहा है कोमा और पैरालिसिस हो रही है क्लियर है इतना फिर दूसरा है सेरेब्रल मलेरिया देख लिया दूसरा है एल्गिड मले मलेरिया एल्गिड मलेरिया में क्या होता है जो स्किन है स्किन स्किन की जो कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स जो हैं वो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में पैरासिटाइज इरिथ्रोसाइट प्लाज्मोडियम जो है वो क्या कॉज करता है आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करता है ना तो टूटी फूटी आरबीसी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में ब्लड के कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट रहेंगी तो एक दूसरा फॉर्म हो सकता है एल्गिड मलेरिया एल्गिड मलेरिया में क्या होता है कि पेरीफेरल सर्क्यूलेट्री फेलियर हो जाता है उसकी जब स्किन ऐसे छुएंगे हम ऐसे टच करेंगे तो कोल्ड स्किन होगी कोल्ड क्लैमी स्किन होगी ठीक है क्यों होगी ड्यू टू हैवी पैरासाइटाइजेशन ऑफ दी प्लाजमोडियम फैल्सिफेरम स्पीशीज ठीक है तीसरा है सेप्टिसिमिक मलेरिया सेप्टिसिमिक मलेरिया में क्या होता है इट इज कैरेक्टराइज बाय सेप्टिसिमिक में ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है अपना प्लाजमोडियम फैल्सिफेरम और इसमें पेशेंट जो है वो क्लिनिकल फीचर क्या देगा उसको कंटिन्यूस हाई फीवर रहेगी विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन ठीक है तो ये तीन टाइप के हैं तीन टाइप से मैनिफेस्ट करते हैं परनिशियस मलेरिया वाला जो है वो सेरेब्रल मलेरिया एलगेड मलेरिया या सेप्टिसमिक मलेरिया हो सकता है क्यों हो रहा है द रीजन बिहाइंड तो रीजन ये है पैरासाइटाइजेशन हो रहा है ठीक है प्लास्मोडियम फैलसीपेरम का इतना क्लियर है दूसरा टॉपिक है ब्लैक वाटर फीवर ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है दूसरा क्या है ब्लैक वाटर फीवर ब्लैक वाटर फीवर में क्या होता है कि इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑफ इन्फेक्शन विथ प्लास्मोडियम फेल्सिपेरम अकरिंग इन दोज पर्सन हु हैज़ बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड पर्सन था ना मतलब पहले उसको एक बार हो चुका है ये इन्फेक्शन प्लास्मोडियम से पहले एक बार हो चुका था अब अब उसको इनएडिकुएट uh, डोज दी थी ठीक है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली आधी अधूरी डोज से ही मतलब वो रिकवर कर गया था मतलब आधा ही डोज दिया है ठीक है तो इनएडिकुएट डोज अभी उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुई थी इसका कॉम्प्लिकेशन है ब्लैक वाटर फीवर इतना क्लियर है ब्लैक वाटर फीवर क्या है इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन विथ प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम अकरिंग इन दोज पर्सन हु हैज बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड एंड हैव हैड इन एडिकुएट ड ऑफ क्वीन इतना क्लियर है अब ये क्या है इसमें ऑटो इम्यून मैकेनिज्म जो है वो सजेस्टेड uh, है मतलब ऑटो इम्यून मैकेनिज्म कुछ हुआ होगा इस वजह से ये ब्लैक वाटर फीवर की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है उसमें होता क्या है कि जो पैरासिटाइज इरेथ्रोसाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम क्या करता है आरबीसी बी इरेथ्रोसाइट को आके अफेक्ट करता है ना उसको हिमोलिसिस करा देता है तोड़ देता है तो पैरासिटाइज इरेथ्रोसाइट जो है ना वो जब ये दूसरी बार वापस से इन्फेक्शन होगा इस प्लाज्मोडियम से उस इंसान को तो जो पैरासिटाइज इरेथ्रोसाइट है वो इट एक्ट एज एन एंटीजन एंड अगेंस्ट विच एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म तो जो ब्लड के अंदर जो टूटी फूटी आरबीसी हैं वो एज अ एंटीजन एक्ट करती हैं ठीक है एज अ एंटीजन एक्ट करती हैं और जो हमारे इम्यून सिस्टम है उस उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है तो इसकी वजह से क्या होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंट्रावस्क्यूलर हीमोलिसिस होती है ठीक है और बहुत ज़्यादा हाई फीवर होगा और हीमोग्लोबिन यूरिया होगा ठीक तो ब्रीन के अंदर हीमोग्लोबिन अपना दिखेगा ठीक है तो इसमें क्या है वैन सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट विथ क्विन इन अकर देर इज मैसेव डिस्ट्रक्शन ऑफ एरेड बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिस ब्लैक वाटर फीवर ठीक है ब्लैक वॉटर फीवर क्या है प्लाज्मा फैलसीफेरम की कॉम्प्लिकेशन है इसमें क्या होता है प्रीवियसली इन्फेक्टेड जो इंसान थे जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल थे आ, उन उनने जब इन डोज लिया था क्विनिन क्विनिन का तो जो आ, ये थोड़ी कुछ कुची येथरोसाइट बच गई होंगी पैरासिटाइज रेथ्रोसाइट इरेत्र, जो है वो बच गई होंगी तो वो क्या करती हैं वो एज अ एंटीजन एक्ट करती हैं और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज फॉर्म होती है अब uh, हमारी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म करती है और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और इंट्रा वस्किलर हीमोलिसिस होता है बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस होगी और उसके बाद फिर फीवर होगा और हीमोग्लोबिन यूरिया होगा ठीक है ये ब्लैक वाटर फीवर है